क्या तुम्हें राजकुमारी ईसा की कहानी पता है? पौराणिक गाथाओं में उसे मसीहा कहा जाता था। कहा जाता था कि ये बच्ची जंग में होने वाली तबाही को रोकेगी। वो एक नया दौर लाएगी जिसमें अमन और हमदर्दी होगी। मुझे ऐसी दुनिया की यादें दी गईं जो मैं कभी नहीं देखूंगा, जिसमें अपने राजा से वफादारी नहीं निभा पाऊंगा, और मुझे ऐसे बच्चे से प्यार है जिसे मैं बचा नहीं पाया। क्या चाहते हैं वो हमसे? सब कुछ। मुझे वो मिल गए, घाव देने वाली। मैं जंग में पैदा हुई हूं, मुझे सिखाया गया प्यार कमजोरी है। इंसाफ और बदले में बहुत फर्क होता है। बगावत का अंजाम भुगतना पड़ता है। जरा एक मिनट, इसे महसूस करने दो। सर रुको, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है। तैयार हो? हम दोनों ही डर को समझते हैं। चलो उन्हें दिखा दें कि हम डरते नहीं हैं। चलो दिखा दें कि कोई बेड़िया हमें रोक नहीं सकती। राजा भी इंसान है और इंसान हार सकता है, लेकिन एक गाथा अविनाशी है। वक्त आ गया है, जो तुम्हारे अपने हैं उनकी हिफाजत करो, किसी पर कोई रहम नहीं। तुम में से कौन है जो हमारे मकसद के लिए मरने को तैयार है?